भारतीय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ अभी तक काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लगातार सातवें दिन भी राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में एडमिट राजू श्रीवास्तव की लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। सातवें दिन भी उनकी तबीयत लगातार गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था। एम्स में आईसीयू के अंदर राजू श्रीवास्तव का इलाज लगातार चल रहा है। 10 अगस्त से ही राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पे हैं। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। शनिवार को राजू श्रीवास्तव का एमआरआई भी करवाया गया था। रिपोर्ट्स में पता चला है कि उनके ब्रेन के एक हिस्से में इंजरी के निशान हैं। ये इंजरी दिमाग में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से हुई है, जिसके बाद उनकी हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी काफी ज्यादा नाजुक है। उनकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं है। लगातार 10 अगस्त से बेहोश हालत में एम्स अस्पताल में एडमिट राजू श्रीवास्तव के ठीक होने की कामना हर कोई कर रहा है। दोस्तों, एम्स के सूत्रों के मुताबिक हार्ट अटैक आने के बाद उनके ब्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, जिससे रिकवर होने में उन्हें कुछ समय लगेगा, और यही वजह बताई जा रही है जो अब तक वो बेसुध हालत में एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दें कि हास्य कलाकार अभिनेता राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती करवाए गए थे। उनकी हालत को देखते हुए उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी, लेकिन इसी बीच उनकी मौत की अफवाह भी काफी ज्यादा तेजी से फैलने लगी थी, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव के परिवार ने इंस्टाग्राम पेज के जरिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी हालत स्टेबल है। परिजनों ने लोगों से किसी भी अफवाह या फिर किसी भी गलत खबर पर ध्यान न देने के लिए अनुरोध भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने भी राजू श्रीवास्तव के लिए एक मैसेज भेजा था, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अमिताभ बच्चन की आवाज सुनकर राजू श्रीवास्तव की बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव की बॉडी दवाइयों का भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, एमआरआई रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि आखिर उनका माइंड, उनका ब्रेन रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा था। दोस्तों, इस वक्त एम्स हॉस्पिटल में एडमिट राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। उनके करोड़ों फैंस ये चाह रहे हैं कि वो जल्द ही ठीक होकर घर वापस आ जाएं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।